जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों आज मैं जो आपको बताऊंगा वो है अक्षय तृतीया पर ऐसा क्या करें जिससे हमारे जो अतृप्त पितर हैं, कुपित पितर हैं, जिनकी वजह से, जिनके श्राप की वजह से हमारे जो भी कार्य हैं, जैसे वंश वृद्धि नहीं होना, शादी नहीं होना, मुखिया को परेशानी, घर में कलह विवाद, पाठ पूजा या मांगलिक कार्य का काफ़ी समय से नहीं हो पाना, यह सब वास्तु दोष का निर्माण भी हो जाता है यदि पितृ दोष कुंडली में हो। पितृ दोष लक्षण बताया मैंने आपको कुंडली में कैसे पता चले कि पितृ दोष है। तो पितृ दोष के जानने के लिए सबसे पहले आप कुंडली में देखिए, यदि आपका सूर्य पीड़ित है, यदि आपका मंगल पीड़ित है, यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है, यदि आपका गुरु पीड़ित है और दशम भाव यदि आपका पीड़ित होता है तो ये पितृ दोष के लक्षण है। सूर्य यदि कर्क राशि, तुला राशि या चतुर्थ भाव में हो तो भी प्रबल पितृ दोष होता है। तो क्या ऐसा किया जाए कि शांति हो, पितरों से हमको शांति प्राप्त हो। वैसे पितरों को मुक्त कर देना ही, मोक्ष प्राप्त करा देना ही सबसे अच्छा है, लेकिन अभी शांति के लिए मैं आपको बताता हूँ जैसे कि उनको शांति प्राप्त हो जाए। क्योंकि कुछ कईयों की अकाल मृत्यु हो जाती है, पता नहीं चलता, वो क्रोधित होकर कार्य में बाधा डालते हैं। तो आप अक्षय तृतीया पर कैसा करें, एक छोटा सा उपाय है, एक छोटी सी ऐसी चीज, उसको खिलाने मात्र से पितर तृप्त हो जाते हैं। कैसा भी रूठा हुआ पितृ हो, तृप्त हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अक्षय तृतीया है जैसे, क्योंकि इस अक्षय तृतीया पर अभुज मुहूर्त होता है, अर्थात मुहूर्त बूझने की जरूरत ही नहीं, पूरा दिन पूरी रात्रि शुभ होती है। आप मंत्र जप करते हैं, आप स्तोत्र का जाप करते हैं, आप दान पुण्य तप हवन जो भी करते हैं सब अच्छे हो जाता है। तो जैसे कुछ मुहूर्त आते हैं, अक्षय तृतीया, होली, अमावस्या, शनि अमावस्या, सोमवती अमावस्या, भूमवती अमावस्या, दिवाली, तो ये पावन अवसर है, नवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, तो ये अबूझ मुहूर्त होते हैं। इनमें जो भी आप करोगे उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। तो क्या ऐसा करें अक्षय तृतीया पर, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक समय की बात है जब एक निर्धन व्यक्ति उदास बैठा हुआ था घनघोर जंगल में। शास्त्र की बात है, शास्त्रों की कथा है ये। वो उसने सोचा, यार घर से मैं काफ़ी दूर हूँ, मार्ग में फंस गया हूँ और अक्षय तृतीया बीतती जा रही है, मैं पितरों का तर्पण नहीं कर पाया तो पितर नाराज हो जाएंगे, तो क्या करा जाए, दुखी हो गया वो। तो उसको चिंतित देख जैसे साधु महात्मा जा रहे थे मार्ग से, उन्होंने कारण पूछा, आप किस कारण से चिंतित हैं, क्या पीड़ा है। तो उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया का समय बीता जा रहा है, आज मैं पितरों का तर्पण भी नहीं कर पाया हूँ,
तो वो क्रोधित हो जाएंगे, इसलिए मैं पीड़ित हूँ। तो साधु महात्मा थे, वो तो ज्ञानी होते हैं। तो उन्होंने कहा, आप अभी गोधूली बेला है, सूर्य छिपने में अभी समय है, आप जाइए खेत से ताज़ा हरी घास लेके आइए और गायों को, सांड को आप खिला दीजिए। इतना सा करिए, आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, हरी घास लेके आया और गायों को खिला दिया, तो उसके पितर तृप्त हो गए। तो दोस्तों, यदि आप भी असक्षम हैं धन खर्च करने में, हवन कराने में, तो आप मात्र ये छोटा सा उपाय आप कीजिए जिससे पितरों को तृप्ति प्राप्त हो। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सुनने के लिए, ज्ञान पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, और अन्य जानकारी लेकर उपस्थित होऊंगा अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।